नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं टारसन्स प्रोडक्ट आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। देखिए, 3 से 5% की लिस्टिंग हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही स्टॉक में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। एक बहुत बड़ा कारण है आज मार्केट के गिरने का और बहुत बड़ा कारण है इसमें सर्किट लगने का। ये स्टॉक अभी और चलेगा, ठोस कारण है वो आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपसे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, आज मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ है, जो कि आपने देखा निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही करीब करीब 3-3% की गिरावट, यानी करीब करीब निफ्टी में 500-525 अंकों की भयंकर गिरावट देखने को मिली। उसका मेन रीजन आज के दिन यही है। देखिए, कोरोना वायरस का एक जो नया वेरियंट पाया गया है साउथ अफ्रीका में, उसके चलते जो है दुनिया भर के मार्केट सारे के सारे वीक देखने को मिले। डॉ जोन्स भी आप देखेंगे 2-2.5% गिरावट देखने को मिला। तो ये रीजन रहा मार्केट के गिरने का, पैनिक सेलिंग है केवल और केवल, और भयंकर बिकवाली हवी रही। लेकिन वहीं दूसरी ओर टारसन्स के आईपीओ को अगर देखेंगे, 5-5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, केवल 20 से 25 मिनट ही इसमें ट्रेड हो पाया, यानी खरीदारी हो पाई, उसके अलावा सारा का सारा सर्किट आपको देखने को मिला। उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी के वजह से ही मार्केट गिरा है और उसी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। कंपनी बेसिकली लैब वेयर, यानी लैब से जुड़े हुए डिवाइसेज, इक्विपमेंट्स और उपकरण जो प्रोडक्ट आदि बनाती है, इस वजह से मेनली यहाँ पे आपको भयंकर खरीदारी देखने को मिली और ये खरीदारी आगे भी जारी रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप, कंपनी बेसिकली करती गया, टारसन्स प्रोडक्ट इज एंगेज इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ए डाइवर्स रेंज ऑफ क्वालिटी लैब वेयर प्रोडक्ट यूज्ड इन लेबोरेटरीज अक्रॉस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फार्मास्यूटिकल फर्म्स एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स। तो देखिए, ये रीजन आज का रहा कंपनी के अच्छा खासा प्रदर्शन करने का। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है। एक्सपर्ट्स लार्जली एडवाइज होल्डिंग टारसन प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टर्म। इट इज़ अ लीडिंग इंडियन सप्लायर टू द लाइफ साइंसेस सेक्टर विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन ऑन एब्सोल्यूट बेसिस। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है बेहतरीन है और अच्छी खासी कंपनी की जो रेपुटेशन मार्केट में इन्होंने खड़ी करी हुई है। उसके अलावा कंपनी की ऑफिशियल साइट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं केवल और केवल मेडिकल से जुड़े हुए इक्विपमेंट इनके पास हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वेराइटी भी कंपनी होल्ड करती है। प्रोडक्ट की लिस्ट में जाके भी मैंने देखा था, आप चाहें तो देख सकते हैं व्यू ऑल प्रोडक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं लैब से जुड़े हुए काफ़ी सारे सामान कंपनी बनाती है, एक्सपोर्ट भी करती है, घरेलू मार्केट में भी अच्छा खासा मार्केट शेयर इनका है। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं इशू से 156 रुपये, यानी करीब करीब 23.5% के आसपास की तेजी बनाई और सर्किट लगते हुए देखने को मिला 818 के प्राइस पे, जो कि आप देख सकते हैं ऑर्डर यहाँ पे 6644 है और करीब करीब 5.5 लाख के आसपास या इससे भी ऊपर के बाय ऑर्डर्स लोगों ने यहाँ पे सर्किट लिमिट पे लगा रखे हैं, लेकिन इनको शेयर्स अलॉट नहीं हो सका और सेलर्स आज देख सकते हैं कोई भी नहीं है। तो मार्केट की आगे 2 दिन छुट्टी है और ये जो भयंकर बाइंग के लिए लोग यहाँ पे क्यों लगा के खड़े हुए हैं, ये बाइंग आपको एब्सोल्युटली मंडे की डेट में भी आती हुई देखने को मिलनी चाहिए। प्रीवियस क्लोज जो कि इशू का प्राइस आप जानते हैं 662 है, उसकी तुलना में 682 पे स्टॉक खुला और मात्र 2 ही रुपये नीचे गया और तेज बाइंग आती हुई देखने को मिली। और 682 के लेवल से 20% जब आप निकालेंगे तो 818 का सर्किट को स्टॉक ने हिट कर दिया। ये चीज़ सिनेरियो पूरा आज के दिन हुआ है। अब देखिए, अगर आपका व्यू शॉर्ट है और अगर आपको आईपीओ अलर्ट हुआ है या नहीं भी हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या ओपिनियन रखते हैं स्टॉक के बारे में। अगर आपने ओपन मार्केट में लिए हैं आईपीओ नहीं मिलने के कारण, तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, इसको आराम से फिलहाल होल्ड करिए, एटलीस्ट सोमवार का एक दिन और देखते हैं कैसा काम करता है। मुझे लगता है तेजी जरूर जरूर ये स्टॉक बनाएगा, हो सकता है सर्किट भी लग जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहले मीडियम टू लॉन्ग वाले इसको आराम से होल्ड रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म वाले लोगों ने बाय किया हुआ है, शॉर्ट छोटी अवधि के लिए बाय कर रखा है, आप हर उछाल में इसको थोड़ा थोड़ा शेयर को एग्जिट करते चलें, इससे आपका एवरेज सेलिंग एवरेज जो प्राइस है वो ऊपर जाता जाएगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरह से मिल जाएगा। तो चलिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके पास कितने शेयर्स है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।